बाहरी दिल्ली के बवाना रोड पर स्थित राजीव रतन आवास परिसर में एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। यह बिल्डिंग उस वक्त धराशायी हुई जब कुछ लोग वहां पर अपनी बकरियां चरा रहे थे। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मलबे से अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जिनमें 3 को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, DDMSA फायर कर्मी और सुरक्षा बल दस्ता मौके पर पहुंचे और तमाम एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। आपको बता दें कि राजीव रतन आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट 2008 में दिल्ली सरकार के DSIIDC विभाग द्वारा बनाए गए थे। उस वक्त इन फ्लैटों को गरीब लोगों को यह आवंटित किए जाने थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन फ्लैटों का रखरखाव नहीं किया गया, जिसके चलते यह फ्लैट खंडर में तब्दील हो गए। प्रशासन की लापरवाही के चलते यह बिल्डिंग धराशायी हुई और कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसमें करीब 3 से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिली कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई है विजय कॉलोनी के पास, राजीव आवास योजना, उसमें एक बिल्डिंग है जो है करीब 2:50 के आसपास कोलैप्स हुई। मौके पे आसपास जो स्टेशन है एरिया में 3-4 गाड़ियाँ पहुँचे और DDA की टीम, डिजास्टर की टीम, दिल्ली पुलिस सारे मौके पे थे। स्टार्टिंग से ही रेस्क्यू काम चालू हो गया। सर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं? कुछ अरे फायर सर्विस के पहुंचने से पहले बता रहे हैं कि 1-2 बंदे जो है आसपास के पब्लिक द्वारा निकाल लिए गए और करीब अभी 4 बॉडी निकाले फायर सर्विस की टीम और स्टेट की टीम दोनों। मैं वहाँ चले, मैं अभी ये भाई 20 साल हो गए, 16-18-20 साल हो गए। ये राजीव का अरे बाबू तू हट जा, तू हट जा आगे वाले अगली में, अगली में, अगली में, आगे वाले अगली में तो या भाई आ जाओ।